अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। अब यहाँ देखो कितना सा चमत्कार है भाषा में, है के बाद पूर्ण विराम और फिर है, ये हैं है, हैं आता है बहुवचन में और ये है एक वचन में, तो यहाँ बिंदु क्यों नहीं आई, यहाँ बिंदु क्यों आई? तो देखो यहाँ से देखो, अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, तो यहाँ संख्या शब्द है ना, संख्या ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा संज्ञा की तरह व्यवहारित है, व्यवहार में आया हुआ है और अनंत विशेषण का काम कर रहा है, तो ये जो संख्या है ये संख्या इसके कारण है आया है, संख्या है। और अगर होता ना संख्याएं तो यहाँ आता हैं, फिर ये हैं आता, इस पर बिंदु आता, समझाई बात है? तो ये संख्या के कारण है आया है, संख्या है, जो कर्ता रूप में होता है उसी के अनुसार क्रिया आती है। अब ये हैं क्यों आया, देखो पहली बात तो क्रिया अंत में आती है, तो ये पहले क्यों आई, क्योंकि कई बार किसी शब्द पर जोर देना हो, बलाघात देना हो, तो शब्दों का क्रम बदल सकते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ शब्दों का क्रम दो बार बदला जा सकता है, दो जगह, एक तो कविताओं में क्रियाएं पहले आ सकती है कविताओं में, एक किसी शब्द पर बलाघात देना हो तो शब्द आगे पीछे आ सकता है। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान देना, हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, वो कह रहा है ये गीत लोकगीत ही हैं, लेकिन है पर जोर देने के लिए इसने पहले लिया है ये, ठीक है। अब दोबारा देखो, अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। अब ये हैं इसलिए आ गया क्योंकि औरतें आ गया, औरतें, अगर औरत होता तो है आता, औरत गाती है, औरतें गाती हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।